बिहार के बांका में एक नाबालिग से लगातार दुष्कर्म करने और दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। घटना के जिले सदर मिथेरैया के बुजुर्ग की है। गांव की एक युवती 19 मई को शौच के लिए अपने घर से बाहर निकली थी। इसी बीच गांव के ही शमशेर नामक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और पूरी घटना का वीडियो बना लिया। दुष्कर्म के बाद युवक ने पीड़िता का वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़िता परिवार के डर और लोक समाज के चलते चुप हो गया। इस घटना के दो दिन बाद ही आरोपी युवक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता रहा। दूसरी बार रेप की घटना होने के बाद पीड़िता ने सारी जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन युवक के घर उसके परिवार से घटना की शिकायत लेकर पहुंच गए। इस दौरान लड़की के पिता से मारपीट और गाली गलौज की गई, साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया और युवक ने रेप का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बाद में कोई चारा नहीं देखा तो युवती के पिता अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंच गया। पुलिस को सारी जानकारी देते हुए आरोपी युवक शमशेर और उसके पिता मौलवी यूनिस खान पर मामला दर्ज कर लिया और छानबीन तुरंत शुरू कर दी। उनके घर भी पुलिस पहुंच गई और घर वालों को भी उठा लिया। इस घटना के बाद से आरोपी युवक और उसके पिता घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। पीड़िता के पिता ने कहा कि बेटी पढ़ाई करने के लिए जाने के दौरान भी युवक छेड़छाड़ करता था, इसके बावजूद हम सभी चुप थे। इस मामले को लेकर थाना अध्यक्ष महेश्वर राय ने केस दर्ज होने की पुष्टि करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने की बात कही है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज़, दिल्ली।